तेरा चकराए। वाह वाह वाह, हाय 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 हाय, करंट करंट दौड़ गो। वाह वाह, मजा आ गया सर। थैंक यू मनोहर। यस सर। बेटा हमारा आशीर्वाद है, अगर तू ऐसे ही अपने सीनियरों की सेवा करेगू ना तो आजीवन मेवा मिलेगी। वाह सर, आप मेवा की बात कर रहे हैं, मुझे आज तक काजू का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। सारे काजू बादाम किशमिश पिस्ते आप ही पेल जाते हैं। दरोगा जी बहुत बड़ा वालू है। अरे दरोगा जी, दरोगा जी सुन रहे यार, बोलो बोलो। अरे क्या बोलो बोलो यार। दादा ठहर जाओ ना यार, अभी तनक तनक माल स्टल लगी तुम एकदम से। ऐसा कौन सा तूफान आ गो जो इतने चिचिया रहे? क्या बताए दरोगा जी, वो भभूति जी हमारी बीवी को उठा के अपने घर ले गए किडनैप करके। लल्ला की इतनी हिम्मत हो गई? हाँ ऐसे तो नहीं है वो नल्ला भाभी अंगूरी से शादी करना चाहते हुए। यार क्या बकवास कर रहे हो दादा, कैसी बात है ऐसा? तो ब्रो किडनैप करके घर में रखने का क्या मतलब है? साजिश है, और इस साजिश में अनीता भाभी भी भभूति जी के साथ शामिल है। हैं? हाँ। नहीं तो तुम्हारे कहने को मतलब जो है कि गोरी मैम स्वयं भाभी अंगूरी और भैया विभूति को कन्यादान कर रही। लेकिन जो भी कर रही बढ़िया है, जो कन्यादान से गोरी मैम नाम की कन्या खाली हो जाएगी, फ्री हो जाएगी, फिर हम वानो जानू बढ़ेगो, अदरक वाली चाय खुशी से पियेंगे। यार ये क्या बकवास कर रहे हैं यार आप? अरे सुन ही नहीं रहे हैं यार। हम तो सुन रहे हैं। अरे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है? कि हमारी बीवी को किडनैप कर लिया गया, बाकी कार्यवाही आप कीजिए। एक सेकंड भैया तिवारी, यार जो भी तो हो सकते है कि भाभी अंगूरी अपनी मर्जी से मतलब अपनी खुशी से होते गई हूँ। आपका दिमाग फिर गया है? हमारी अंगूरी भला ऐसा क्यों करेगी, अपनी मर्जी से कहीं जाएगी बताओ? हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, चलते हैं हमको सामने सब सब सामने सब दूध को दूध। ओ दादा कहाँ? चलिए ना फिर। हम चलेंगे और दूध को दूध और पानी को पानी करेंगे, लेकिन बाकी पहले बाकी पहले हमारी चोंच तो गीली करो। तेरी ये लीजिए फिलहाल एडवांस। ये इसे यहां भग नहीं, तुम्हारी ये हरकतें ससुर तुम 100 रुपया दे रहे हमें। खैर छोड़ो ससुर। अम्मा जी का कॉल। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जी उमर बच्चे। कैसन बा अम्मा जी? अरे हम तो ठीक हैं बहुरिया, बस तुमरा अबाइल का चिंता करते रहते हैं। हमरा फिकर ना आए कीजिए अम्मा जी, हम तो एकदम ठीक बा। आप अबाइल का हमरा मतबल है कि लड्डू के भैया का फिकर कीजिए। अरे अबाइल का फिकर भी करते हैं, तुमरा भी फिकर करते हैं बहुरिया, इसलिए तो फोन किए हैं। का हुआ अम्मा जी? देखो बहुरिया, अब कछु ज्यादा हो रहा है तो तुम जो है लौट आओ। नहीं, हम अब घर नहीं जाएंगे वापस। अरे का हुआ बहुरिया, बैल खाली गेट लास्ट ही तो बोला है ना? नहीं अम्मा जी, केवल गेट लास्ट नहीं बोले हैं, भाई तो का बोला है वो बैल हमको बताओ। भाई हम आपको वीडियो भेजते हैं, आप जरा देखिए हमरा तारीफ में का बोले हो, हम कितने हॉट हो गए। देखिए वीडियो भेजे हम आपको। नहीं वो वीडियो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन हम तुमसे विनती कर रहे हैं बहुरिया, अपने घर लौट आओ। अरे वो बैल का तो हम इतना सूतेंगे ना कि वो तुम्हारे बारे में एक थोड़ी गलत बात नहीं करेगा, ठीक है? अच्छा ये बताइए कि आपकी नजर में भाभी जी कितनी खूबसूरत है? इन माई ओपिनियन शी इज वेरी उगली। पकौड़े जैसी नाक, होंठ ऐसे जैसे हजारों मच्छरों ने एक साथ काट के सुजा दिए हो, भित्ते में घुसी हुई आंख, और एकदम चालू औरत। नहीं। ए अम्मा। हाँ? अरे तुम्हारा फोन नीचे है। अरे दो 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 फेंको। ये लो कैच। हाँ। अब आप कैसा फील कर रही हैं? हम बहुत बहुत हॉट हो गए।
क्योंकि वो हॉट होता हॉट। ऐसा ही पकड़ा है। वो जो भी लड्डू के भैया हमारे बारे में बोले ना, हम सोच सोच कर बहुत बहुत दुखी है। भाभी जी ये सब सुनकर और देखकर मैं भी हॉट मतलब हॉट हो गया। मैं सर कमिंग बॉयज व्हाट हैपेंड। अप्पू सिंह जी, मनोहर जी और तिवारी जी अंदर आने की इजाजत चाहते हैं। धक्के मार के बाहर निकाल दो। बोली धक्का देने को बोला है। अरे वो ठहर जा। अरे 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 चल रहा हूँ जू हमें ससुर ऐसे धकिया जा रहा हूँ ऐसे ढकिया जा रहा हूँ मतलब जैसे सारे हम बेकारी हूँ। गोरी मैम हाय। हेलो अप्पू सिंह जी। बुका है गोरी मैम जी, भैया तिवारी ने शिकायत दर्ज करी है कि आपने भाभी अंगूरी को कैद कर लो। देख तो रहे हैं आप कौन सा हमने कैद कर रखा है इनको। इनको भेड़िया पहना रखी है, जंजीरें पहना रखी है, काल कोठरी बंद कर रखा है, बढ़िया नाश्ता कर रही है, बैठी है, रिलैक्स है सोफे के ऊपर। व्हाट्स द प्रॉब्लम तिवारी जी? देखिए अप्पू सिंह जी, अंगूरी जी अपनी मर्जी से यहाँ रह रही है, खुशी से रह रही है, हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, आप देख सकते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, लेकिन आपके पति देव ने जो ड्रामा रचा ना भाभी जी, उससे सिर्फ तलाक की गुंजाइश बचती थी। इन्होंने हमारा नकली वीडियो बनाकर हमारे और अंगूरी के बीच में झगड़ा करवाया, ये कम बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है ये। क्या बड़ी बात, आप अगर जुल्म करेंगे तो ये सब तो हो गई होगा, तो क्या आप दूसरों का घर उजाड़ेंगे? और तुम्हारा काय चौधरी बन रही, हमें तो सारू पंजीरी के बांट रहे का। सब सारू फैसलो तुम खुद ही कर लो, सब पंचायत खुद ही कर लो, तो हम का मतलब है आने को काय मनोहर? और नहीं तो क्या, आजकल लोग खुद ही वकील और खुद ही जज बन जाते हैं। अब हम भाभी अंगूरी से एक तरह सवाल करेंगे और भाभी अंगूरी हमने स्टेंट होकर जवाब दू, आपको जवाब सर्वमान्य होगा। बट आप पूछिए तो आप हमें खोल के बताओ भाभी अंगूरी कि आप अपनी मर्जी से इतने पे हो या आपके ऊपर कोनो जोर जबरदस्ती करी गई है? आप बोलो पगली, थोड़ा खुल के बताओ साहब। ये हम बात कर रहे हैं ना तुमसे, हमने कहीं का के बीच में कूदो, हम बात करेंगे बस। हाँ भाभी अंगूरी आप तनक हमें खोल के बताओ। भाभी जी प्लीज टेल हिम, आप बताइए कि आप यहाँ पर। ओ दादा तुम यार अब तुम अंग्रेजी पढ़ा लो तुम यार, एक तो हम जी मोहल्ला के जो करण अर्जुन से परेशान है बिल्कुल, करण को रोको तो अर्जुन बोल रहा हुए, तुम दो जने चुप रहो, ज्यादा बकर बकर करी ना तुम्हारे मुंह में सारे खूंटा ठोक देंगे हम, फिर बोल रही हूँ। हमें बात करन दो। हाँ भाभी अंग आप हमें खोल के बताओ, आप अपनी मर्जी से हो तो कौन ने जोर जबरदस्ती करी? बैठे हैं यहाँ भरभूती जी। हाँ हाँ, ये हमको जबरदस्ती यहाँ रोक कर रखे हैं, हमको अपने घर ना ही जाने दे रहे हैं। गोरी मैम बाय। मनोहर यस सर, गरम गरम है। समझ गया। वाह पगली वाह, क्या बात है, पहली बार तुम हमारे विश्वास पर पूरी तरह से खरी उतरी हो। भाभी जी जाओ अंगूरी का बैग लेके घर घर भिजवाओ। चलो पगली आओ। अंगूरी जी चलो शाबाश। अंगूरी जी जा टिलुआ, ये बड़ी अजीब सी ड्यूटी है यार। अभी थोड़ी देर पहले हम विभूति भैया के यहाँ पे ड्यूटी दे रहे थे, वहाँ पे साफ साफ इंस्ट्रक्शन मिले हुए तो कि तिवारी भैया को अंदर घुसना न देना है। हाँ यार साला, अब इंस्ट्रक्शन मिला है कि विभूति सेठ को अंदर नहीं जाने देना। ठीक है, मेरा ना दिमाग भिन्नोट हो रहा है, आखिर ये चल क्या रहा है यार। वो
कूल मैन, कूल डाउन बड़ी। अंदर का चल रहा है का ना चल रहा है उससे हमें कोई मतलब ना होना चाहिए यार, हमें सिर्फ अपनी ड्यूटी देना चाहिए, समझ गो? बाहर खड़ो रहना है खुल्लो होके, कभी जहाँ पे ड्यूटी दो कभी वहां पर ड्यूटी दो, ऐश है रे ऐश, लुत्फ उठाओ यार। ओ लाडो, गुड 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 गुड, ड्यूटी दे रहे हो, करो 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 करो। ए विभूति सेठ, कहाँ को घुसे चले जा रहा हो तुम? अरे भाभी जी से मिलने जा रहा हूँ यार। आइसक्रीम ली, सॉरी भैया, मिलने वाला हूँ ना है। ये मत भूलो लॉन्डो, कुछ देर पहले तुम मेरी चौखट पे नाक रगड़ रहे थे, मतलब मेरी ड्यूटी कर रहे थे। तो जिनके लिए पहरेदारी दे रहे हैं वो तो अब यहाँ पर आ गई है ना, अंदर है। तो मैं उल्लू के पिल्लू, मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ, भाभी जी से मिलने आया हूँ। हमसे सख्त मना किया गया है कि डॉग्स एंड विभूति सेट इज नॉट अलाउड। क्या बका तूने अभी? जी मैं ना कह रहा, ये तो तिवारी सेठ कह रहे थे। अरे तुम्हारे तिवारी सेठ की ऐसी की तैसी। अरे कौन बदतमीज है जो हमारे घर में घुसा चला आ रहा है? जी तिवारी जी, मैं भाभी जी को लेने आया हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई अंगूरी को यहाँ से ले जाने की? मैं उन्हें ले जाने आया हूँ क्योंकि उनकी वजह से मुझको झूठा साबित किया जा रहा है। हाँ तो आप झूठे हैं। आपने जबरदस्ती अंगूरी को अपने घर में कैद करके रखा हुआ था और ऊपर से आपका वो मोबाइल कांड, लेकिन अब आपकी सारी पोल पट्टी खुल गई है। आप एक नंबर के घटिया, लीचड़, कमीने इंसान हैं, दूसरों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हैं आप। तिवारी जी जबान पर लगाम दिए वरना बुरा हो जाएगा। अरे हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, आपने इतने इतने दिनों तक अंगूरी को अपने घर में कैद करके ही तो रखा हुआ था, उसका फायदा ही तो उठा रहे थे। झूठा इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। भाभी से मिलने जा रहा हूं। अरे एक मिनट, अंगूरी कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, और ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो लौंडो से कह के धक्के मरवा के आपको यहां से निकलवा देंगे। अभी मॉडर्न कॉलोनी में ऐसा कोई लौंडा पैदा नहीं हुआ जो विभूति नारायण मिश्रा को धक्का मार सके। धक्का को मार रहे बता, ये लो हो गए पैदा। शूज में, ओ माय गॉड, मैं जान सकता हूँ कौन है आप? ये कमबख्त मारे नाश पीटे माटी मिले, ऐसे किसे बात कर रहे हैं? मैं अंगूरी की छोटी बहन हूँ। अंगूरी की छोटी बहन? आप माफ करना, आप भाभी जी की छोटी बहन किस एंगल से लगती हैं? किस एंगल से दिखाऊं? हर एंगल से लगती हूँ, दिखाऊं क्यों? दिलुआ, ये तो बड़ी खतरनाक औरत है यार, डेंजरस है यार। सही कह रहा है तू, कुछ तो गड़बड़ है। एक कम वक्त हूँ, आपस में क्या देख रहे हो दूसरे को? अपनी बड़ी बहन से मिलने को गुनाह है क्या? हाँ यार, थप्पड़ तो कुछ जाना पहचाना था। हाँ यार, क्या अपनी छोटी बहन से मिलना क्या गुनाह हो गया है क्यों? देखिए आंटी जी, मेरा मतलब है अम्मा जी, मेरा मतलब है बहन जी, बात ये रही है कि मतलब कि आप मिल नहीं सकते। चुप कर, मैं अंगूरी की छोटी बहन हूँ समझी, और मुझे अंदर जाने दे। अगर तूने मुझे रोका ना तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी कि तुम लोग मुझे छेड़ रहे थे। 6 साल के लिए अंदर जाओ कि जमानत भी नहीं होगी। हाँ दरवाजा कब से खुला है, आइए। सुन हाँ, जो औरत बड़ी खिलौना लगती है यार, और चमक छल्लो टाइप भी लगती है यार, स्पोर्ट्स शूज पहन के आई थी। पापी जी, पापी जी, चुप 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 चुप, क्यों 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 क्यों? भाभी जी, व्हाट हैपेंड? किधर 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 घुस गया चोर? भाभी जी किधर घुस गया? वो हमको चूहा दिखाना तो हम बहुत डर गए थे, इसके लिए वो बहुत जोर से चिल्ला दिए। चूहे से डर गई भाभी जी यार। ये चूहे से, ये चूहो भी सारा बड़ा नल्लो है यार, कहीं भी घुस जाता है। चूहे से डर गए देखिए। है ना भाभी जी, चूहे से। चूहा जाइए अपना काम कीजिए, जाइए। जी भाभी जी।
दिया परभूति जी, आप डरा दिए हमको। भाभी जी, अन्नू ने जहर खा लिया है। क्या बात कर रहे हैं? क्या हुआ भाभी जी, मैं तो बातें ना कर रही। वो हमको लगा आप कुछ बोले रहे हमसे। बोले थे ना आते आते, कुछ बोले थे ना? ना ना, मैं ना बता रही, मैं तो भाभी जी पेरा दे रही हूँ। नहीं वो शायद हमरे कान बज रहे। जाइए। ओ मौसम कैसा हो रहा है ना, और वो खाना बनाते बनाते हमरा गला बैठ जाता है। आ जाइए। अरे अनीता जी, जहर खा ली। भाभी जी, अन्नू ने जहर खा लिया, आपके चाहते ही उसने जहर खा लिया। I didn't know कि that she loves you so much, आपसे इतना प्यार करती। और उसने कहा कि जाते जाते अंगूरी जी को मेरा आखिरी सलाम दे देना। She said सलाम to you। हाय दिया, नहीं नहीं, हम खुद ही जाकर उनको सलाम बोलेंगे। ऐसे थोड़े हम उनसे खुद मिलने जाएंगे। वहां से मत जाइए भाभी जी, दरवाजे में तिवारी जी के मुस्टंडे बैठे हुए हैं। आप एक काम कीजिए, मैं बाहर जाता हूँ, सीटी बजाऊंगा, तो आप क्या करिएगा, आप अपने किचन से कूदकर बाहर जाइएगा और वहां से मेरे किचन में अंदर कूद जाइएगा, ठीक है? लेकिन इतना सारा कैसे कूदेंगे हम? अब जी, मैं हूं ना, मतलब मैं हूं ना, I'll push you। ठीक बा। यार टेका तलब सी लग रही है यार। हैं? हाँ। पैसे? भाभी जी को लूट के ले आया, मतलब भाभी जी को ले आया। हाय दिया, अब क्या हुआ अनीता जी, क्या हुआ? अंगूरी जी, क्या हुआ? आपने आने में बहुत देर कर दी। हाय दिया, क्या है? जल्दी आ जाती तो चाय पी लेती ना। हमको ना ही पीना है चाय। बाय, आपका तबीयत कैसन बा? अंगूरी जी, आपके जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं आपके बिना नहीं जी सकती। ओवर एक्टिंग मत करिए। भाभी जी, मैं आपके सामने अपनी झोली फैलाकर आपसे अन्नू की भीख मांगता हूँ। क्या हुआ? अरे यार, पेट दिख रहा तेरा। आप प्लीज अन्नू को छोड़ के कहीं मत जाइए, कहीं मत जाइए, कहीं मत जाइए प्लीज। मुझे तो लगता है कि पिछले जन्म में तुम दोनों सीता और गीता थी। हाँ। हमको तो पता ही नहीं था कि अनीता जी हमसे इतना प्रेम करती है। हम तो केवल उनको लेबर समझते थे। उनको हालत में देख के हमको बहुत पेन हो रहा है। भाभी जी, अच्छा आपको लेबर पेन नहीं हो रहा, वरना मुझे बड़ा पेन होता। क्या बोले भाभी जी, आप वो नेबर कहना चाह रही हैं शायद? ऐसे ही पकड़े हैं। गुरी जी, मैं ना आपसे इस बेबू से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। भाभी जी, आप अन्नू को छोड़ के कहीं मत जाइए, कुछ दिन यही रह लीजिए, महीना दो महीना प्लीज। लेकिन लड्डू के भैया का क्या होगा? कौन रहेगा लड्डू के भैया? हाय दिया। देखिए, I'm sorry, I take my words back। आप लड्डू के भैया की चिंता मत करिए, वो अपने आप को संभाल लेंगे, देख लेंगे। लेकिन भाभी जी, एक पड़ोसन आपके प्यार में जान देने को तैयार, उसकी जान बचा लीजिए भाभी जी, उसको उसको जाने से रोक लीजिए प्लीज। गुरी जी, आपके हाथ में। आज एक पड़ोसन आपको पुकार रही है। और अगर एक पड़ोसन दूसरे पड़ोसन को पुकारे और वो ना सुने तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। भाभी जी, वास्ता है आपको उन पड़ोसियों का जो अपने पड़ोसियों के लिए रात को 12 बजे खड़े हो जाते हैं। वास्ता है आपको अम्मा जी का। वास्ता है तुझे भूरे लाल का। वास्ता है आपको पुतन भैया का। वास्ता है आपको लड्डू के भैया का।
पास्ता है। पास्ता है। पास्ता है। पास्ता है। हम रुकेंगे अनीता जी के पास। हम यही रहेंगे जब तक उनका दिल चाहता है। Alright, party like a rockstar, party like a rockstar, party like a rockstar. Let's get some coffee now. Oh, coffee. Cheese toast, baby. Cheese toast, cheese toast. One coffee, one coffee. Help yourself. Okay. I'll come up. Oh dear.